तो हेलो गाइस, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में भाई हम फिर से कर जा रहे हैं माइनक्राफ्ट हीरो पर एमएसएमपी अपनी। और भाई लास्ट टाइम हमने एक फार्म बनाए थे भाई, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं भाई। और यहाँ पर हम विलेजर भी ले आए हैं ये भाई, मैंने बताया था ना विलेजर लेके आऊँगा विलेज में से, वो ले आए हैं भाई। और देख रहे हो भाई कितना अच्छा चल रहा है, कितने सारे वहाँ पर वेट भी पड़े हैं। ये देखो भाई यहाँ पर पोटैटो भी और कैरेट भी है भाई हमारे पास। अभी अभी कैरेट 15 तक था, लास्ट टाइम मैंने उसको दिए थे, शायद से बाबूजी को दिए थे उसकी दुकान के लिए। और भाई देख रहे हो हमारा प्यारा सा घर है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है भाई। देख रहे हो सामने सीधा हमारा बेड है भाई। और यहाँ पर भाई विलेजर भी घूम रहे हैं अब, और प्यारा हो गया। तो आज की वीडियो में भाई हम विलेजर्स के लिए घर बनाएंगे अपना। और ये मैंने भाई ऊपर की तरफ चेस्ट वगैरह ला कर रखी है, एक स्टोरेज अच्छी सी हो जाए भाई हमारे पास, इसलिए रख दी मैंने ये यहाँ पर। तो भाई मैं बता रहा था कि हम आज वो बनाएंगे विलेजर्स के लिए घर बनाएंगे भाई, विलेजर होम टाउन बनाएंगे भाई, क्योंकि भाई इनके पास कोई घर नहीं है भाई, ये मेरे बेड पे सो जाते हैं आके। तो मैं यहाँ से वुड ले लेता हूँ फटाफट से, और भाई इन्हें प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैंने प्लैंक्स में तो कन्वर्ट कर लिया इन्हें। और अभी भाई जगह देखो भाई, एक तो मैं सीधे की तरफ बना सकता हूँ और एक साइड में बना देता हूँ भाई। मेरा जी कर रहा है साइड में बना लूँ, क्योंकि भाई इससे ना बैक फ्रंट खाएगा और उस साइड की जगह बच जाएगी, उस साइड हम कुछ और बना लेंगे। तो भाई इस साइड बनाना शुरू करते हैं। मैं कोबल स्टोन लेके नहीं आया भाई, स्टोन ब्रिक लेके आता हूँ फटाफट से। तो भाई यहाँ से स्टोन ब्रिक उठा लेते हैं और चलते हैं फटाफट से उस साइड। और चलो भाई अभी फटाफट से चलते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दे, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा सा प्यार दिखाएं। और बाकी भाई सबके लिए शुक्रिया भाई। यहाँ से भी हमें एक स्क्वेयर टाइप बनाना होगा। तो भाई देख रहे हो इससे तो दूर रखूँगा भाई, मैं घर से दूर रखूँगा, क्योंकि ऊपर की तरफ भी है, तो कम से कम इतना गाइप ठीक रहेगा। पहले ये स्टोन ब्रिक निकाल लेता हूँ भाई, इसकी ज़रूरत है, इनको निकाल लेते हैं भाई। और इसको लगाना शुरू करेंगे बिल्कुल। अभी रुको गैप चेक कर लेता हूँ पहले यार, ये रुको इसके साथ करते, 1 2 3। अब इससे भी टूट ही गया। तो भाई ये एक बस मार्क ही हो गया, 4 पी हमने बनाना था, यहाँ पर बना देते हैं एक रख के, और यहाँ तक कर देते हैं इसको पीछे की तरफ। अब इसको लगाना शुरू करते हैं सामने की तरफ। फटाफट से एक स्क्वेयर बना लेता हूँ मैं। और भाई ये लास्ट वाला गलत लगा दिया, इतना भी पीछे नहीं करना भाई, थोड़ा सा पीछे गैप रखना है भाई, एक ब्लॉक का गैप तो रहेगा ही रहेगा। हाँ भाई पीछे की तरफ एक ब्लॉक का गैप रख दिया हमने। और अभी फटाफट से स्क्वायर बना लेता हूँ मैं, इस साइड को लेके चलता हूँ इसको फटाफट से अभी। तो डन गाइस, भाई बन गया हमारा यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म हमारा बन चुका है, देख ही पा रहे हो आप। तो देखो भाई मैंने बना दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर स्टोन भी भर दिया पूरा। अब इसकी भाई भाई आउटलाइनिंग बनाना शुरू करते हैं बाहर से ऊपर से। तो क्योंकि भाई इसको मैं कहता हूँ इसको बाहर से भाई चारों साइडों में तो वुड लगाएंगे, ओक वुड है जो, और बीच में प्लैंक भरेंगे भाई। भाई इससे तो दूर है ना यार, ये माप लेता हूँ रुक जाओ, 1 2 3 और 4। जहाँ से भाई ठीक है बिल्कुल सही है। अभी रुको यहाँ पर से मैं वुड निकाल लेता हूँ, और भाई बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। अभी फटाफट से इसको लगाना शुरू करते हैं, चारों कोनों में लगा के आता हूँ भाई मैं फटाफट से, और इनके बीच में भाई अभी एक और जाएगा ऊपर। अब ठीक है, अब एक और भाई 5 का कर दे क्या, 5 का कर देते हैं भाई, काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। और अभी नीचे ही गिर गया, चलो कोई बात नहीं भाई, 5 का तो हो गया वो। अब इस साइड के भी कर देता हूँ फटाफट से, चारों के बना देता हूँ भाई फटाफट से मैं। अभी हो गया बराबर उसके, अब एक और आएगा रुको, अब ठीक है। अब भाई देखो मैंने चारों के तो कर दिए हैं यहाँ पर, अब बस इनके बीच में मेरे को प्लैंक्स लगाने हैं ऐसे, इनके बीच में भाई चारों साइड से कवर कर देता हूँ प्लैंक से मैं इनको, ताकि एक अच्छी सी लुक आ जाए। और भाई अभी यहाँ भी लग जा, अभी लगा के चलते हैं इसको फटाफट से, चारों साइड से कवर करना है भाई। देखो मैंने कवर तो कर दिया इसको, और आप देख ही पा रहे हो यहाँ से मैंने एक अंजलि का गेट रखा है। और अभी देख रहे हो भाई कितना अच्छा लग रहा है, चारों साइड से कवर कर दिया जो मैंने इसे। और भाई यहाँ पर तो भाई मैंने यहाँ पर ये स्टेयर्स लगाई हैं, ये भाई अच्छी लग रही है, तो इनको ये कंटिन्यू करते हैं फटाफट से लगाना। तो इसको चारों साइड में लगा देता हूँ फटाफट से मैं, और फिर ऊपर की साइड अभी हमें
भाई स्टोन में, तो कह रहा हूँ स्टोन वाली है, स्टोन में ब्रिक है ना ये वाली लगाएंगे ऊपर की साइड, देख रहे हो मैंने स्टेट तो लगा दिया चारों तरफ, अब फटाफट से स्टोन वाली ब्रिक लगाता हूँ भाई मैं ऊपर की तरफ। उससे पहले भाई नेदर के वो लगानी पड़ेंगी, मैं कह रहा हूँ एक नेदर और इसका कॉम्बिनेशन हो जाए भाई, पहले मैं नेदरराइट का वो लेके आ जाता हूँ, नेदर होती है ना इसको लेके आ जाता हूँ, ये स्टेयर मेरे को नीचे की तरफ लगानी है। फिर मैं दिखाता हूँ भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, पहले थोड़ी स्टेयर बना लेता हूँ मैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अभी भाई मैं देखो ये ले आया हूँ यहाँ पर, ये अभी टूट जा, अभी यहाँ से ऊपर की तरफ लगाने चलना है भाई नेदर रैक, ये कह रहा था भाई मैं नेदर रैक लगाएंगे अभी और इसको चारों साइड से कवर कर देंगे और फिर इसके बाहर नीचे की तरफ स्टेयर लगाएंगे, स्टेयर और नेदर रैक कॉम्बिनेशन हो जाएगा भाई ये, और बीच में इसके भाई वो नहीं होता जो रेड वाले बायोम में, नेदर के रेड वाले बायोम में भाई वो मशरूम लाइट्स मिलती हैं हमें, वो लगा देंगे भाई, उससे भी वो अंदर की तरफ लगाएंगे भाई। फटाफट से मैंने ये तो लगा दिया, स्टेयर लगाना शुरू करते हैं यहाँ पर, और तो मशरूम लाइट भाई अभी लगाऊंगा मैं, अभी लेके आनी पड़ेगी भाई वो, तो कोई बात नहीं मैं वीडियो को काट दूंगा वहाँ से थोड़ा सा, अभी चल बीच में से तोड़ देंगे भाई इनको जो उनसे गलत लग रहे हैं, बाद में कर देंगे सही। तो भाई देखो मैंने कर दिया और ये बिल्कुल बहुत सही लगा, मैंने वीडियो बीच में से काटी है क्योंकि भाई मैं वो सोने गया था और रात भी होगी थी, अभी जा रहा हूँ दोबारा से वो भी लेके आया मैं निद्राएक, अभी सो जा भाई फिर को भी सोने दे, अभी रात नहीं हुई यार वो मर गया यार, सॉरी गाइस मैंने इसको मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं हमारे पास 3-4 विलेजर और हैं, उन्हें पोटैटो खिला खिला के भाई हम काफ़ी सारे कर देंगे उन्हें, और भाई अभी ठीक है, अभी भाई फटाफट चलते हैं अंदर की तरफ और इसमें लगाना शुरू करते हैं मशरूम वाली भाई। अभी ये एंडरमैन भाई तूने ब्लॉक रखा है, आजा भाई बाहर तो आजा, अभी एंडरमैन मार रहा वो मार रहा है भाई ये, इसकी ऐसी की तैसी है, निकल यहाँ से, अभी चलते हैं भाई। और ये भाई मशरूम लाइट तो ले ली मैंने और फटाफट से ऊपर की तरफ चलता हूँ मैं, वाटर बकेट लो तो लगा दिया, फटाफट चलते हैं और मशरूम वाली वो लगाते हैं इसमें लाइट भाई, ये बहुत अच्छी लुक देगी एकदम से। तो मैंने स्टेयर्स भाई ऐसे ही लगा दिए, इनके बीच में मशरूम लाइट भर दूंगा फटाफट से, अभी मैं 2 मिनट में भाई मिलता हूँ आपको ये चारों साइड में मशरूम लाइट लगा के, और फिर दिखाता हूँ भाई आपको लुक कितनी अच्छी आएगी इसकी, तो भाई लग जा फटाफट से। अब भाई मैंने मशरूम लाइट तो लगा दिया और इसके ऊपर अभी स्टेयर्स लगा देते हैं भाई, ये ब्रिक है स्टोन ब्रिक स्टेयर, और अभी इस साइड से लगानी रह गई है, इसको लगा देता हूँ भाई, बाकी वही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, अब फिर से निद्रा की एक लेयर आएगी और फिर उसमें मशरूम लाइट लगा के, और ये भाई बाहर से तो इसका ही लगेगा, अंदर से देखना भाई ये कितना प्यारा लगेगा। अभी फटाफट से इसको एक और लगा देते हैं यहाँ पर, 3-4 ही रह गई है, मेरे को लगता है स्टेयर और चाहिए होंगी लेकिन पड़ी अंदर, कोई बात नहीं भाई ऊपर की तरफ चेस्ट में काफ़ी सामान पड़ा है। अभी भाई यहाँ से ये निद्रा एक लिया, अभी यहाँ से लगाना है भाई, रुको भाई हाँ यहाँ से ऐसे लगाना है, रुको रुको पीछे करके लगाना है, नहीं सही है सही है सही है, नीचे वाला तोड़ देता हूँ, मेरे को लगा भाई एक बार के गड़बड़ होगी लेकिन ठीक है, अब बस यहाँ से लगाते चलते हैं इसको फटाफट से, और मैं इसको भी लगा के आपको मिलता हूँ 2 मिनट में, मतलब पूरा ही कंप्लीट करके मिलता हूँ भाई आपको 2 मिनट में, अभी तो सेम प्रोसेस है भाई ऊपर। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख ही पा रहे हो मैंने ये ऐसे पूरा कर दिया भाई, बाहर से तो बहुत सिंपल लुक आ रहा है लेकिन कुछ नहीं, इसको बाहर से अट्रैक्टिव बना देंगे हम, कुछ ना कुछ कर देंगे यहाँ पर भी, और भाई अंदर की तरफ क्रीपर घूम रहा है भाई, अगर ये फूटा तो भाई नुकसान होगा काफ़ी, इसको फटाफट से जाकर मारना पड़ेगा, आजा भाई आजा, ये लगा भाई शॉट, बस अभी एक में ही मर जाएगा, इसको एक और शॉट मारते हैं भाई, मर गया शुक्र। तो भाई मैं ये कह रहा था देखो अंदर से कितना प्यारा लग रहा है, और बीच में भाई मैंने इसको खूबसूरत बनाने के लिए बीच में मशरूम लगाई और बीच में एक ब्लॉक ऊपर करके लगाई ताकि बीच में कुछ लालटेन वगैरह कुछ लगा देंगे भाई। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब देना, क्योंकि आप अब तक देख रहे हो तो आपको पता है वीडियो पसंद आ रही होगी आपको, तो भाई थोड़ा सपोर्ट कर दो अपने भाई को भी। और अभी यहाँ पर रुको भाई, अभी इसको क्यों तोड़ रहा हूँ, रुको भाई मैं नीचे ही मारने लग गया था बात करते करते। अभी भाई फटाफट सामान लेके आते हैं, ग्लास वगैरह लेके आते हैं और फिर शुरू करेंगे बनाना, ग्लास से बनाएंगे भाई भाई प्रॉपर ये साइडों का। और भाई मैं यहाँ से ग्लास लेने के लिए आया था, मैंने बीच में से वीडियो काट दी, ये हमारा विलेज है भाई जहाँ से मैंने ट्रेडिंग वगैरह किया, एन्चेंटमेंट वगैरह लिया, तो वो यहीं से लिए हैं भाई,
पीछे की तरफ ही है और सामने की तरफ यहाँ पर एक आउटपोस्ट है, दिखा देता हूँ अभी आपको मैं। वो देखो भाई, वहाँ से रेड की थी हमने भाई। साइड में ये आउटपोस्ट है, साइड में विलेज है और उससे थोड़ी सी आगे हमारा घर है। ये है भाई, देखना किस्मत। अब फटाफट से घर पे चलता हूँ, सैंड लेने आया था भाई मैं यहाँ पर। देखा मैंने, ग्लास तो है नहीं मेरे पास, तो भाई यहाँ से मैंने थोड़ी सी सैंड उठा लिया। आगे थोड़ी और है, वहाँ से भी उठा लूँगा फटाफट से। तो भाई मैंने सैंड लिया और बाकी मैं उसको भाई वो करना शुरू कर दिया। मैंने फिर से वीडियो को काटा है और अभी भाई इसको ऐसे लगाना शुरू कर दिया फटाफट से। पहले मैं प्रॉपर इसका बना देता हूँ, बाद में भाई थोड़ा इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे ग्लास की भाई, क्योंकि प्रॉपर इतना ज़्यादा ग्लास भाई अच्छा भी नहीं लगता, बाद में कर लेंगे। पहले एक प्रॉपर ग्लास से बना देते हैं। तो भाई मैं इसको बना के दोनों साइडों भाई ऊपर तक दीवार करके करता हूँ भाई। और भाई मैं इसको एक्चुअली 2 फ्लोर का बनाने वाला हूँ, 1 फ्लोर का नहीं, 2 फ्लोर का, ताकि भाई इसमें हम डबल फ्लोर में भाई विलेजर रख सकें। हमारे 3 बाई 3 ब्लॉक का गैप नीचे होगा और 3 ब्लॉक का गैप ऊपर, तो ज़्यादा ही होगा भाई ऊपर, तो 4 ब्लॉक का गैप भी हो सकता है, क्योंकि बीच में की तरफ आप देख पा रहे हो उठा हुआ है बीच में से। ऐसा बनाने वाला हूँ भाई मैं, 2 3 4 4 तरीके के विलेजर रहेंगे भाई इसमें, 4 नीचे की तरफ और 4 8 तरीके के विलेजर भाई, अलग अलग क्राफ्ट भाई। गोल्डस्मिथ एक साइड और वो वाले लाइब्रेरियन एक साइड भाई, फार्मर एक साइड, ये सारे विलेजर एक एक साइड रहेंगे भाई। हमें ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा वो कहाँ गया वो कहाँ गया भाई। तो भाई अभी मैं इसको बना ही रहा था जस्ट, और मैंने देखा ट्रेडर आया हुआ है, और भाई देखते हैं ये क्या दे रहा है। कि बार भाई क्या लेके आया तू? अभी मिल्क पीने लग गया, शाबाश भाई, तेज है बहुत बंदा, तेज है भाई। वो पोषण हटाने के लिए मिल्क पी रहा। अभी शैल लेके आया हुआ है भाई, 5 मिनट रुक, मैं तेरे से शैल लेने आ रहा हूँ भाई। 5 मिनट रुके, पक्का गायब ना हुई हो यहाँ से, मैं ना बहुत मारूंगा कैसे कभी आएगा। 2 मिनट रुकता भाई, बस आ गया, बस फटाफट से लेके मैं 2 मिनट रुकता बस, मैं ऊपर की तरफ रखे हुए। मैंने रेड से जीते थे भाई, 1 स्टैक 2 स्टैक पड़े हैं, बाकी उसके भी पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं भाई। देखो ये अभी ट्रेडिंग कर लेता हूँ फटाफट से जाके अभी, ठीक है भाई। अबे यार बाद में मार लेना तुम, अभी मेरे को जाके उसको मार के आना है। रुको भाई, अभी यहीं से कूद जाता हूँ भाई फटाफट से। ओ भाई रुक जा, शैल दे दे यार। हाँ दे दे, कितने देगा भाई? ओ भी 5 दे दिए भाई, कॉन्ड्रूट पक्का हमारा, अब तो जरूर बनाऊंगा भाई। और क्या दे रहा तेरे को? चल तूने इतने सारे दे दिए, ये भी ले लेता हूँ भाई तेरे से सैपलिंग, तू भी क्या रखेगा भाई। भाई फिशेज वगैरह तो मैंने पहले ही डाल रखी है अपने एक्वेरियम में, ये दे दे। इससे अगली वीडियो में फ्यूल फार्म जरूर बनाएंगे भाई, हम कैल्प मिल के भाई हमको इससे फ्यूल फार्म जरूर बनेगा भाई अब तो। भाई ठीक है, चल जा, बाय बाय टाटा, अब तेरे को मरना तो वैसे ही पड़ेगा। अबे भाई तू मार रहा है, मैं तेरे को एक तो आज़ाद करवा रहा हूँ भाई, भगदा यहाँ से। पीछे देख रहा, स्केल्टन हॉर्स है हमारे पास, दो दो मर भी जाएगा, अभी लेके गया उनके पास भाई, धमका देंगे तेरे को। अभी भाई फटाफट चलते हैं, शैल वगैरह रख के आता हूँ मैं और फिर दिखाता हूँ भाई मैं, आगे काम जारी करते हैं हम। तो ऑल डन गाइस, भाई मैंने इसको करा था, अब बस यहाँ पर स्टेयर बना लेता हूँ मैं। और भाई ऊपर की तरफ हम बनाएंगे भाई ओक ब्लॉक से, प्लैक से लोग कहने लगा था भाई। ये 3 ब्लॉक का गैप आ गया और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 4th फ्लोर में अंदर की तरफ भी भाई ऊपर की तरफ से वो जाएंगी और यहाँ पर भी भाई जाएंगी साइड में। तो भाई यहाँ से अबे आना जाना बंद करवाएगा क्या? इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, एक्स टूट गई थी भाई, वहाँ गए थे मशरूम वाले में, एक्स तो है ही नहीं, क्या फ़ायदा भाई इससे तोड़ना पड़ेगा अभी यार। मैं तो आयरन वाली एक्स भी वहीं रखा है यार गलती से। अभी रुको मैं इसको सेट करके 2 मिनट में फिर मिलता हूँ आपको। रुको इसको यार मैं यहाँ से करूँगा तो भाई 3 ब्लॉक ऊपर हो जाएगा, करना तो मेरे को यहीं से पड़ेगा अभी। ठीक है भाई, यहाँ से करके ऐसे लेके जाते हैं और यहाँ से करके फिर लगाते हैं भाई ब्लॉक इस पर। अब हम आराम से जा भी पाएंगे और यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और फटाफट से इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं और यहाँ पर एक स्टेयर लगा देते हैं, क्योंकि अब आराम से चढ़ भी पाएंगे हम। और अब फटाफट से इसको लगाना शुरू करते हैं दोनों साइडों में भाई, देख के लगाना पड़ेगा नीचे ना लगे ताकि। तो भाई इसको लगा देता हूँ फटाफट से और अभी इसके बीच में अंदर की तरफ लगाना शुरू करेंगे फिर हम भाई इसके अंदर। आप बताओ कौन सा लगाना चाहिए मेरे को? मैं तो सोच रहा हूँ भाई डार्क वाले स्टोन ब्रिक होते हैं ना, वो जैसे डीप स्लेट होते हैं, वो वाले लगा दूँ, वो बेटर रहेंगे भाई। क्योंकि भाई ये स्टोन ब्रिक तो मैंने लगा रखा है, नीचे भी सेम हो जाएगा फिर ऊपर भी सेम हो जाएगा, वो लगा देंगे डार्क वाले। और फिर उनके बीच में थोड़े थोड़े मशरूम वाले वो डाल देंगे, फिर इनमें भी लेजर ला ला के डाल देंगे। तो भाई यहाँ तक तो हो चुका है कम्प्लीट, अभी रुको मैं सामान वगैरह देख लेता हूँ ला के।
दो मिनट के लिए रुको और भाई मैं सामान ले आया हूँ और यहाँ से शुरू करना करते हैं भाई। भाई बीच में मैंने यहाँ लगा दिया ये भाई, पता नहीं भाई क्या हो रहा है ये सर्वर में से रेंज भाई पता नहीं क्यों जा रही है, बार बार लैग कर रहा है भाई सर्वर, वही नेटवर्क नहीं आ रहा शायद से आज भाई, क्योंकि मैंने लगाई है पीछे से गायबी होगी थी और फिर उल्टी सीधी लग गई। तो कोई बात नहीं भाई, बना देंगे इसको तो पूरा कर ही देंगे आज। तो भाई इसको मैं दोनों साइड पे ये लगा देता हूँ, इसकी एकदम से अच्छी सी फ्लोरिंग कर देता हूँ भाई। ऊपर से फ्लोर है नीचे से छत है भाई, डबल चीज काम करेगी। ऊपर से देखोगे तो फ्लोर बढ़ेगा। अबे यार फिर से रेंज कट गई भाई। तो कोई बात नहीं भाई, इसको यहाँ से काटता हूँ वीडियो को, क्योंकि भाई यहाँ पर पता नहीं कितनी बार लगाना पड़ेगा मेरे को ये। ऑल राइट गाइस, मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया, तो आप अपने घर देख पा रहे हो भाई। बीच में रेंज कट रही थी, मैं वीडियो बनाने तो लगा लेकिन भाई वो फिर अटक रही थी, मैं क्या करूँ। तो भाई मैंने देखो यहाँ पर बीच में जैसा मैंने आपको कहा था, और साइड में मैंने स्मूथ स्टोन की दीवार कर दी भाई। अभी इसके अंदर क्यों नहीं लगे भाई, ये इसके अंदर लगाने पड़ेंगे अभी फटाफट से। मशरूम लाइट भाई मैं कह रहा हूँ सब में लगा दी, इसमें नहीं लगाई। कोई बात नहीं, इसमें लगा दूंगा मैं अभी। तो भाई अभी ऊपर की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से स्टेयर जा रही है और भाई देखो ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है भाई। ये ऊपर का सीन है भाई, देखो मस्त लग रहा है एकदम। ऊपर भाई अच्छे अच्छे विलेजर रखूँगा बिल्कुल, मैं जो हमारे ख़तरनाक वाले विलेजर होंगे ना वो रखूँगा भाई। और अभी इनमें दराजल भाई आयरन के लगाऊँगा मैं, जो बटन के साथ चले। अभी यार लगता है फिर से रेंज गई है भाई, सर्वर आज भाई बहुत ख़राब ही है भाई, किस्मत ही ख़राब है हमारी। तो आयरन के डोर लगाऊंगा और उनके साथ बटन लगाऊंगा, ताकि हमारे विलेज खुद तो निकले लेकिन हम अंदर बाहर जा सके। तो आप वीडियो को लाइक कर देना भाई गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो जो माइनक्राफ्ट लवर है भाई कमेंट करना और अपने भाई को सपोर्ट करो। तो दिल से थैंक यू गाइस, तो मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।